इस फेस वॉश का उपयोग कील मुहासे की समस्या में उपयोग किया जाता है। जब किसी के चेहरे पे कील मुहासे का प्रॉब्लम रहता है और वो बहुत सारे जेल बहुत सारे क्रीम लगा लेता है, उससे आराम नहीं मिलता है, तब डॉक्टर के द्वारा ये चेहरे पर लगाने के लिए दिया जाता है। फेस वॉश का उपयोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन की समस्या में उपयोग किया जाता और है। जैसे कि इस फेस वॉश का उपयोग स्किन से रिलेटेड किस प्रकार की बैक्टीरियल किस प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है जब स्किन पर यानी जब आपके चेहरे पर, तब डॉक्टर के द्वारा ये फेस वॉश लगाने के लिए बताया जाता है। और या फिर किसी के चेहरे पर जब पिंपल्स या मुहासे का प्रॉब्लम हो जाता है, उससे पस निकलता है और उसके चेहरे पर दाग पड़ जाता है, तब डॉक्टर के द्वारा इन सारी प्रॉब्लम जो आपके चेहरे पर कील मुहासे की समस्या रहती है उसे ठीक करने के लिए डॉक्टर के द्वारा ये फेस वॉश लगाने के लिए बताया जाता है। जैसे कि आज हम आपको बताएंगे इस फेस वॉश में क्या कंपोजिशन, क्या साल्ट पाया जाता है, जैसे कि ये फेस वॉश लगाना कैसे होता है, ये फेस वॉश एक दिन में कितनी बार लगाना होता है, इस फेस वॉश में क्या कंपोजिशन होता है, क्या साल्ट होता है, क्या साइड इफेक्ट होता है, इसके बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे हिंदी में। ये फेस वॉश एक प्रकार से एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन है। इस फेस वॉश में बेंजोइल पर ऑक्साइड साल्ट होता है। ये जेल बैक्टीरिया को मारने का कार्य करता है, यानी ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन स्किन पर जब हो जाता है तब डॉक्टर के द्वारा ये जेल अप्लाई करने के लिए बताया जाता है। इस जेल का उपयोग मुख्य रूप से स्किन से रिलेटेड सबसे बड़ी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की समस्या में उपयोग किया जाता है त्वचा पर लगाने के लिए, यानी स्किन से रिलेटेड अगर किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तब डॉक्टर के द्वारा ये जेल अप्लाई करने के लिए दिया जाता है स्किन पर। या फिर जब किसी के चेहरे पर एक्निक या फिर पिंपल्स या फिर मुहासे की समस्या हो जाता है, वो बहुत सारे क्रीम बहुत सारी दवाइयाँ खा लेता है, उससे आराम नहीं मिलता है, तब डॉक्टर के द्वारा ये जेल स्किन पर यानी चेहरे पर लगाने के लिए बताया जाता है, जिससे जो उसके चेहरे पर कील मुहासे हो जाते हैं उसमें पस निकलता है, चेहरे पर दाग पड़ जाता है। जैसे कि अगर कील मुहासे एक्निक की प्रॉब्लम चेहरे पर हो जाता है तो आपने देखा होगा एक जगह हुआ तो फिर दूसरे जगह हो जाता है, तीसरी जगह हो जाता है, पूरे चेहरे पर कील मुहासे और एक्निक की प्रॉब्लम हो जाता है, ये लगातार निकलता रहता है। आप बहुत सारी दवाइयाँ बहुत सारी मेडिसिन खा लेते हैं, ठीक नहीं होता है, तब डॉक्टर के द्वारा ये जेल स्किन पर यानी फेस पर लगाने के लिए बताया जाता है, जिससे जो आपके चेहरे पर एक्निक पिंपल्स कील मुहासे का समस्या यानी जो प्रॉब्लम रहता है स्किन से रिलेटेड जो समस्या रहता है वो ठीक हो जाता है। और जैसे कि ये क्रीम आपके चेहरे का जो स्किन होता है उसे शाइनिंग कर देता है, यानी चेहरे पर ये गोरापन भी लाता है। मुख्य रूप से इस जेल का उपयोग पिंपल्स एक्निक कील मुहासे की समस्या में, जब किसी को बहुत ज़्यादा कील मुहासे पिंपल्स एक्निक की प्रॉब्लम रहती है और वो बहुत ज़्यादा पूरे चेहरे पर हो जाता है, एक प्रकार से बहुत ज़्यादा उसके चेहरे पर फैल जाता है, तब डॉक्टर के द्वारा ये जेल चेहरे पर अप्लाई करने के लिए दिया जाता है जिससे जो उसके चेहरे पर कील मुहासे पिंपल्स एक्निक की जो प्रॉब्लम रहता है वो ठीक हो जाता है। चलिए अब हम आपको बताते हैं ये फेस वॉश आपको एक दिन में कितनी बार यूज करना होता है। जैसे कि ये फेस वॉश आपको दिन में 2 से 3 बार डॉक्टर के द्वारा ये अपने स्किन यानी अपने फेस पर लगाने के लिए बताया जाता है। ये फेस वॉश काफ़ी अच्छा फेस वॉश होता है। ये कील मुहासे एक्निक यानी स्किन से रिलेटेड जो आपके चेहरे पर समस्या रहता है वो इन सारी समस्याओं को ठीक करता है। 4 से 5 घंटा बाद जब भी आप उठें तो सबसे पहले आप अपने चेहरे को अच्छे से धुलें, उसके बाद में आप धूप में निकलें। ये जेल दिन में 2 बार लगाने के लिए डॉक्टर के द्वारा बताया जाता है। ये जेल आप कभी भी लगा के धूप में ना निकलें। चलिए अब हम आपको इस जेल के साइड इफ़ेक्ट के बारे में बताते हैं, इस जेल का क्या क्या साइड इफ़ेक्ट देखा गया। जैसे कि जब ये जेल आप अपने स्किन पर अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर जलन की समस्या हो सकती है, हीटिंग के जैसा महसूस हो सकता है, खुजली की समस्या हो सकती है, रेडनेस सा महसूस हो सकता है। अगर ये जेल लगाने के बाद में अगर आपको ये साइड इफ़ेक्ट दिखे तो तुरंत ये जेल बंद कर दें और अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से तुरंत जरूर संपर्क करें। इसके अलावा अगर आपको और कोई दिक्कत या फिर और कोई स्किन से रिलेटेड कोई समस्या है तो एक बार अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से जरूर संपर्क करें, फिर कोई क्रीम कोई जेल कोई मेडिसिन उपयोग करें।